वाली मौतों के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक 41 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आइए जानते हैं स्वाइन फ्लू के लक्षण और इससे बचाव के तरीके। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में स्वाइन फ्लू से हो रही मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2019 में अब तक 41 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई ऐसे भी मरीज हैं जिनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रवीण जाडिया ने बताया कि जनवरी से अब तक टेस्ट के लिए 644 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 152 मरीजों की रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। 10 ऐसे सैंपल हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उन्होंने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए हमने फीवर क्लिनिक और स्क्रीनिंग सेंटर्स की संख्याओं को बढ़ाया है। यहाँ मरीजों का प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। हम आपको बताते हैं स्वाइन फ्लू के लक्षण के बारे में। अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। शुरुआत में जुकाम, खांसी, तेज बुखार, सांस की दिक्कत बढ़ना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, हाथ पैर नीले पड़ जाना, रोगी का बेहोश होना, फेफड़ों में निमोनिया बढ़ना। स्वाइन फ्लू के बचाव के तरीके: भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। सामने वाला छींक रहा हो तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बना ले। खुद अगर छींकें तो मुंह पर रुमाल रखें। बाहर से घर आने पर पहले साबुन से हाथ धोएं। बाहर रहने पर चेहरे पर हाथ न लगाएं। नमस्ते करें, हाथ न मिलाएं। स्वाइन फ्लू का टीका लगवाएं। जुकाम से सांस की दिक्कत बढ़ने पर डॉक्टर को दिखाएं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।